तो हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों कंफ्यूज्ड थे कि सर जनवरी का रिजल्ट अभी नहीं आया है और हम इंटर का एग्जाम नवंबर में दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को अलाउ कर दिया है, भाई आपका जनवरी का रिजल्ट कभी भी आ रहा हो, वैसे मैं बता दूं मार्च के एंड से पहले आ जाएगा और अब आप लोग नवंबर 21 में एग्जाम दे पाओगे। इंस्टीट्यूट ने यहां पर एक रिलैक्सेशन दे दिया है माय डियर फ्रेंड्स। तो जितने भी फाउंडेशन स्टूडेंट्स यहां पर एग्जाम देकर बैठे हैं तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नवंबर में एग्जाम लगेगा। और बता दूं भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, अभी मैं आपको अनाउंसमेंट भी दिखाने वाला हूं। मैंने इंटरमीडिएट का नया कोर्स नई रिकॉर्डिंग के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, भाई मजा आ जाएगा, पूरा का पूरा नया रिकॉर्डिंग है। और बहुत सारे बच्चे तो मुझे फाउंडेशन के ये भी पूछते हैं, सर हमें एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया और नवंबर के लिए तो टाइम बहुत कम बचेगा। तो दोस्तों अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलो फटाफट से सबसे पहले दोस्तों उस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूं। तो ये रहा जी इंस्टीट्यूट का वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है भाई तो जरूर जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। भाई क्या है ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये देखिए, ये है वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं। रिलैक्सेशन दे दिया गया है, रिलैक्सेशन दे दिया गया है दोस्तों। ये जो 8 मंथ्स का पीरियड होता है इसका आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि अब आप लोग नवंबर में एग्जाम दे सकते हो। भाई तो जो नवंबर 20 वाले बच्चे थे जिन्होंने ऑप्ट आउट करके जनवरी चले गए थे, जनवरी का एग्जाम देकर बैठे हैं, रिजल्ट अभी आया नहीं है, इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि भाई इन अदर वर्ड्स स्टूडेंट हु पास जनवरी एग्जाम में रजिस्टर देमसेल्फ, ध्यान रखना फाउंडेशन वाले बच्चों ध्यान रखना, रिजल्ट आएगा आपका मार्च में ही आने वाला है और मुझे लग रहा है 20 से 30, 31 मार्च के बीच में आ जाएगा। तो ये आप लोगों को 1 अप्रैल तक का टाइम दे रहे हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 20 से लेके 25 मार्च के बीच में कभी भी आ सकता है, क्योंकि एक सफिशियंट टाइम देना पड़ेगा। और 1 अप्रैल से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो भैया आप लोग नवंबर के एग्जाम में 21 में अपीयर हो पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमको एक ग्रुप देना चाहिए दोनों ग्रुप देना चाहिए, चलो ये बात तो समझ में आ गई। भैया टाइम वेस्ट मत करो, दोनों ग्रुप दे सकते हो तो कैपेबिलिटी है, कोचिंग भी करनी है, लेकिन मिनिमम एक ग्रुप तो दोस्तों फर्स्ट ग्रुप तो आपको देना ही चाहिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज है, तो भी एक ग्रुप तो देना बनता है। बाकी कोशिश करो भाई, अगर आप में जज्बा है कुछ कर गुजरने का, 8 पेपर आप तैयार कर सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो दोनों ग्रुप पर भी जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना इंटरमीडिएट का नवंबर 21 के लिए लेटेस्ट बैच का रिकॉर्डिंग दिया, टैक्सेशन का मैंने आपको दिया है, डेमो वीडियोस अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक साथ में करवाया गया है क्लास में, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके जो भी प्रॉब्लम है, सजेशंस हैं, और इस वीडियो को फैला दीजिएगा सभी फाउंडेशन स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इस पॉइंट को लेकर क्या थे, कंफ्यूज थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जोश दिल में जगाते चलो दोस्तों और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।